नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मानपुर पुलिस ने पिछले महीने केबी रोड के पास ग्राम भिचौली में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया था, जिसके बाद पुलिस ने मरकज कायम कर मामले की जांच में पुलिस जुड़ गई थी। सोमवार को पुलिस ग्रामीण अधीक्षक भगवत सिंह विरदे ने अंधे कत्ल का मामले का खुलासा करते हुए एक महिला सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार मृतक सुनील की मृत्यु के बाद पुलिस ने शक जाहिर करते हुए मृतक के पोस्टमार्टम के बाद आरोपियों को शंका के आधार पर पकड़ा तो जुर्म कबूल नहीं कर रहे थे। जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो टूट पड़े। इस मामले में पुलिस ने आरोपी जगदीश पिता बद्री कोहली निवासी कुशलगढ़, उदयराम पिता झापड़िया निवासी ग्राम बावड़ीपुरा नालछा, राजू पिता उदयराम निवासी बावड़ीपुरा नालछा और नंदीबाई पति उदयराम निवासी बावड़ीपुरा नालछा, जितेंद्र पिता मुकेश भाभर निवासी सराय धर्मपुरी अपना जुर्म कबूल किया है। एडिशनल SP शशिकांत कनकनी ने बताया कि आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ की तो बताया कि मृतक सुनील मालवाड़ का फूफा है। उदयराम से बारीकी से पूछताछ करने पर उदयराम ने बताया कि मृतक सुनील ने अपने जीजा से 2000 रुपये उधार लिए थे। जगदीश के द्वारा बार बार मांगने पर वापस नहीं कर रहा था और टाल मटोल कर रहा था और शराब के नशे में होकर उदयराम और जगदीश को गंदी गंदी गालियां देने लगे और मारपीट के दौरान जगदीश ने फारिया के मृतक सुनील को सिर पर वार किया, जिससे सुनील वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। फिर जगदीश, उदयराम, जितेंद्र और राजू ने मिलकर मृतक सुनील को पुलिया के पास रोड किनारे ले जाकर फेंक दिया ताकि लोग समझे कि युवक का एक्सीडेंट हुआ होगा। उक्त कार्रवाई में एडिशनल SP शशिकांत कनकने, मानपुर थाना प्रभारी अमित सिंह और साइबर सेल से आवश्यक रवि तिवारी सहित अन्य पुलिस जवानों की अहम भूमिका मामले का खुलासा करने में रही। क्या पुरुष की लाश मिली थी, जिस पर मर्ग कायम करके जांच में लिया गया। जांच के दौरान वो जो अज्ञात व्यक्ति था वो सुनील नाम के उस पर ज्ञात हुआ, क्योंकि उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम में जो है उसमें धारदार हथियार से उसकी मृत्यु का लेख किया गया। IG साहब श्री राकेश गुप्ता साहब ने एक SIT गठित की। एडिशनल SP जो हमारे मऊ कनकने साहब के नेतृत्व में, जिसमें SDOP मऊ हमारे दिलीप चौधरी जी, हमारे TI अमित और बाकी अन्य दल रहा, तो ये लोग लगे रहे उसमें। पहले तो 302 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया, 302-201 का, फिर हमारी टीम लगी रही तो ये पाया गया कि इनका जो मृतक था उसने अपने जगदीश से जो है 2000 रुपये उधार लिए और वो बार बार तगादा करके मांगते थे, वो नहीं दे रहा था। और जो है 26 तारीख को यहाँ बिचौली में वो लोग आए हुए थे तो वहाँ उसी पैसे की बात को लेके विवाद हुआ। तो जगदीश पिता बद्री कोहली, जितेंद्र पिता मुकेश, उदयराम और राजू पिता उदयराम और नंदी भाई, इनका विवाद हुआ तो इन्होंने फिर उसके साथ मारपीट करी और फाली ऐसे जगदीश ने मार दिया, जिससे उसको गहरी चोट आई। इन्होंने उसको मरा हुआ समझ के ले जाके लाश को वहाँ पटक दिया गया और उनको लग रहा था कि कोई पहचान नहीं पाएगा, वहाँ आराम से चले गए। हमारी जो टीम है इसने काफ़ी जो है बारीकी से विवेचना करी, गंभीरता से विवेचना करके इन पांचों आरोपियों को जो है अभी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं। PR वगैरह प्राप्त करके अन्य कार्रवाई की जाएगी। टीम के लिए हम लोग 10,000 रुपये इनाम दे रहे हैं टीम को।